Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to discuss the question paper of MSc Maths entrance test held on 23rd of June 2023. So first question is, yes, which of the following is true? So पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कहता फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट, ओके. द सेकंड ऑप्शन, द सीक्वेंस 2n इज बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव. थर्ड ऑप्शन सी, द सीक्वेंस n ओवर n प्लस 1 इज नॉट बाउंडेड. डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस इज ट्रू, नन ऑफ द अबव इज ट्रू. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, कहता एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट. तो आपने एक थ्योरम की होगी, दैट इज वोल्जानोव्रिस्टास थ्योरम. क्या बोलती है वो, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट. तो ये तो कुछ और ही बोल रहा है, कहता एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट, है ना. लेकिन उस थ्योरम के अकॉर्डिंग एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैव अ लिमिट पॉइंट, तो ये तो गलत हो गया, है ना, आंसर नहीं हो सकता. सेकंड, द सीक्वेंस 2n इज बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव. तो इस सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं, तो 2n सीक्वेंस ये है आपके पास, वेयर n क्या होता है यहाँ पे आपके पास, नेचुरल नंबर, राइट, यस. तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, 2 पावर 1 2 2 पावर 2 4 2 पावर 3 8, तो आपके पास इस तरीके से कुछ ये सीक्वेंस बनेगी, है ना, बिल्कुल. तो अगर इसकी बात करें तो इसमें ये बाउंडेड ही नहीं है, पहली बात है ना, ये बाउंडेड ही नहीं है, है कि नहीं. तो क्योंकि अच्छा ये बोल के द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव. तो देखो ना, ये एक साइड से, जैसे यहाँ से बाउंडेड कब होती है, जब उसके पास बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, वो बाउंडेड अबव भी हो सीक्वेंस और बाउंडेड बिलो भी हो, है ना, तो दोनों साइड से, है ना. लेकिन ये आपके पास बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है ये आपके पास 2n, राइट. तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता. यहाँ पे आ जाइए, द सीक्वेंस n बाय n प्लस 1. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस सीक्वेंस की, तो n की वैल्यू फर्स्ट 1 रखोगे, नेचुरल नंबर 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, नेक्स्ट 2 करोगे तो 2 बाय 2 प्लस 1 3, 3 रखोगे तो 4, 4 बाय 5, ऐसे करके आपके पास ये चलती जाएगी, है ना. तो आप देख रहे हो ये मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, है ना. तो इसमें जो इसकी फर्स्ट टर्म होगी सीक्वेंस की, वही क्या होगी, लोअर बाउंड इसकी. तो फर्स्ट टर्म 1/2 है, तो ये इसकी क्या होगी, लोअर बाउंड. ओके, दिस इज द लोअर बाउंड, है ना. अच्छा, और इसकी अगर अपर बाउंड की बात करें तो कैसे निकलेगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n बाय n प्लस 1. तो n जब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा आपके पास 1/1 + n, n से n कैंसिल आउट. तो यहाँ पे जब आप n अप्रोच टू इन्फिनिटी करोगे तो ये कितना बनेगा, 0, और यहाँ पे 1/1 1, है ना. इसकी अपर बाउंड भी है, इसकी लोअर बाउंड भी है, दैट मीन बाउंडेड है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, नॉट बाउंडेड, तो ये भी नहीं हुआ ऑप्शन. दैट मीन आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव इज ट्रू, राइट. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ए ऑप्शन, एवरी ओपन इंटरवल इज नॉट एन ओपन सेट, ओके. सेकेंड, बी ऑप्शन, एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट कॉम्पैक्ट, सी द सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट. लास्ट, एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट बाउंडेड. चलिए, तो अगर इसकी बात करें, एवरी ओपन इंटरवल इज नॉट एन ओपन सेट, गलत. एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट कॉम्पैक्ट, तो वो कॉम्पैक्ट होता है ना. उल्टा बोल रहा है तो मतलब ये ऑप्शन सही नहीं होगा, है ना. द सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट कॉम्पैक्ट, यस ये ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर कॉम्पैक्ट नहीं होता, बिल्कुल ठीक बोला इसने. क्यों,
बिकॉज जो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो क्लोज सेट तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है, ये क्लोज्ड तो है बट बाउंडेड नहीं है। देखिए अगर मैं कॉम्पैक्ट सेट की बात करूँ तो कॉम्पैक्ट क्या होता है आपके पास, जिसमें क्लोज भी हो वो और बाउंडेड भी हो, है ना। लेकिन ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये क्लोज तो है बट ये बाउंडेड नहीं है, इसीलिए जो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है ये कॉम्पैक्ट नहीं है। तो ये तो सही बोल रहा है, मतलब ऑप्शन ये होना चाहिए, है ना। द सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट कॉम्पैक्ट सेट, है ना। एवरी फाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट कॉम्पैक्ट, थोड़ा गलत बोल दिया मैंने, ये शायद ये ऑप्शन है आपके पास सी, है ना, जो आपके पास सेकंड है इसका सी, द सेट ऑफ रियल नंबर। हाँ एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ दे दी है, ऑप्शन मैंने ये रीड कर दिया गलती से, तो ये नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं, एवरी फाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट कॉम्पैक्ट नहीं होगा, तो द सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट कॉम्पैक्ट, ये ऑप्शन सही बैठेगा सी, है ना। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ दे दी है ना, कि जो आपके पास कॉम्पैक्ट होगा वो क्लोज और बाउंडेड दोनों होंगे, लेकिन ये जो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है ये क्लोज क्लोज तो है बट बाउंडेड नहीं है, तो इसीलिए कॉम्पैक्ट सेट नहीं होगा। तो जो इसका सेकंड का जो सी होगा दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट कॉम्पैक्ट सेट, ये जो है इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है सी। ये एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट बाउंडेड, बाउंडेड होता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज नाइदर एन इंटरवल नोर एन ओपन सेट, तो बात तो ठीक है, ओपन सेट नहीं है, क्यों नहीं है ओपन सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर की बात करें तो 1, 2, 3 सोन अप टू इन्फिनिटी, तो मैं यहाँ पे अगर मैं 2 की ही बात कर लूँ तो इसका नेबरहुड जब मैं बनाऊंगा तो लेट से यहाँ कहीं पॉइंट है ना 1.7 के, लेट से 1.7 1.6 कुछ भी लो आप, तो क्या वो नेचुरल नंबर है, वो बिल्कुल नेचुरल नंबर नहीं होगा, है ना, तो ओपन सेट तो नहीं है ना। दिस इज ओपन इंटरवल ए बी इज नो डेंस इन इट सेल्फ, नो ये भी नहीं होगा, क्लोज इज क्लोज इंटरवल ए बी इज क्लोज एंड नॉट डेंस इन इट सेल्फ, नो, द क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी इज नॉट कॉम्पैक्ट, है ना, क्या बोला इसने, द क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल क्लोज इंटरवल इज नॉट कॉम्पैक्ट। तो अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि वो क्लोज अगर बाउंडेड भी हो क्लोज भी हो तो वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, लेकिन ये तो गलत बोल रहा है ना। दैट मीन जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ ऑल द सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज नाइदर एन इंटरवल नोर एन ओपन सेट, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दी है हमने, है ना, ओपन इसकी एक ओपन बॉल ड्रॉ करोगे नेबरहुड बनाओगे तो वो नेचुरल नंबर में नहीं आता, ओपन सेट नहीं है, तो मतलब ये ठीक बोल रहा है, ट्रू बताना था आपको। तो थर्ड क्वेश्चन का जो ए है यहाँ पे ऑप्शन वो सही होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आप चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन। देखिए आपके पास थ्योरम है एक जिसमें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर हो वो, तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, लेकिन कन्वर्स इसका सही नहीं है, तो ये क्या बोल रहा है, कहता है एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन, गलत हो गया, ये तो नहीं होता, हो भी सकता नहीं हो सकता, मे कन्वर्स सही नहीं है इसका, है ना। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एक्स बाय एक्स प्लस वन वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2 इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन 0 to 2 क्लोज इंटरवल, तो ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है ना, क्योंकि जब हम इसकी एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना, इसका मॉडुलस लेस देन एप्साइलन, ये डेफिनेशन को सही सेटिस्फाई करेगा, ये फॉर एक्स 1 माइनस x2, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, है ना, दिस इज x1 माइनस x2, है ना, सो x1 माइनस x2 का मॉड लेस देन डेल्टा, है ना, ये इसको सेटिस्फाई करेगा इस डेफिनेशन को, तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस तो है,
लेकिन ये क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्म कॉर्डिनेट, तो ये गलत हो गया ये तो, है ना। नेक्स्ट आइए, अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल इज नॉट बाउंडेड। तो ये तो हो गया गलत, बाउंडेड होता है वो, है ना। तो आई थिंक जो डी ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव इज ट्रू, ये सही होगा इसमें, है ना। कोई स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, फिफ्थ क्वेश्चन पे कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और वो बाकी वाली गलत क्यों है, तभी तो आंसर दे पाओगे ना आप। या फिर डायरेक्ट उसकी अगर थ्योरम एज अ वो याद हो, माइंड में आ जाए तो ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फर्स्ट अ कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड मेट्रिक्स स्पेस इज नॉट कनेक्टेड। भाई ये तो गलत हो गया, होता है, कनेक्टेड होती हैं, है ना। द रियल लाइन एल आर सेट ऑफ रियल विद यूजुअल मेट्रिक स्पेस मेट्रिक इज नॉट कनेक्टेड, कनेक्टेड होती है वो, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन, अ सबसेट ऑफ द रियल लाइन इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज इन एन इंटरवल। इसका जो सी ऑप्शन है ये सही बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल। तो आपको पता है ये इंटरवल तो है रियल लाइन, है ना। तो कनेक्टेड है कब, जब इंटरवल है वो, और जब इंटरवल है तो कनेक्टेड होगी, इफ एंड ओनली इफ का मतलब दोनों साइड से सही है। सी ऑप्शन सही होगा इस पे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, सिक्स्थ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, तो इसमें आप वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r, यहाँ लगाएंगे तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/an मॉड, तो 1/r लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ से आप निकाल सकते हो दैट इज 2n+1 और 3n+2 एब्सोल्यूट, ठीक है, मॉड। तो जब आप इसमें इसको सॉल्व करोगे ना, यहाँ से आप एक काम करो, n कॉमन निकाल लो, है ना। 1/n बनाने की कोशिश किया करो, ताकि 1/∞, 1/n मतलब क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता कितना मिलेगा यहाँ पे, 2/3, क्योंकि ये टर्म तो जीरो हो जाएगी 1/n, है ना। और यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो 2/3 बाकी यहाँ पे हो जाएगा जी, ठीक है, ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, 2+0 2, और यहाँ 3+0 3 आ जाएगा यहाँ पे, 2/3। लेकिन यहाँ ये 1/r है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना हो जाएगा, 3/2। तो सी का ऑप्शन नंबर सी है, 3/2, ठीक है, ये सही हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ, देखो कितने ये इस टाइप के कितने क्वेश्चन आए हुए, बिचो द फॉलोइंग इज ट्रू, बिचो द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना। तो ये क्वेश्चन तो देखो ऐसे रिपीट ही हो गया, पहले भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन देखा अभी भी, ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, कहता है एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। आ गया आप उसी चीज़ के ऊपर, है ना, आ गया उस चीज़ के ऊपर, सही बोल रहा है बिल्कुल, कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता, होता। नेक्स्ट द फंक्शन एफ, ये तो हमने पीछे देखा कि कॉन्टिन्यूस तो है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है, तो ये तो गलत बोल रहा है कि नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन इज नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, गलत, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे वो सही हो सकता है, ठीक है, सेवंथ का ए होगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल क्लोज कॉन्टूर सी ई पावर 2z/z-1 (z-2) dz वेयर सी इज द सर्कल वेयर मॉड z इज 3। तो ये आपको कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला याद है, कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 π i क्लोज कॉन्टूर सी एफ z/z-a dz। इसका यूज करना था, इसी से सॉल्व होना था, पार्शियल फ्रैक्शन बननी थी यहाँ पे, 1/z-1 प्लस 1/z-2, है ना। उस टाइप से इसको जब आप सॉल्व करते
तो इसका जो ऑप्शन बनना था दैट इज ए 2π i, ऐसे करके बनता है कुछ इसमें 2π i e² -1। तो जब आप इसको करोगे e पावर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे e पावर 4 - e2, ए इसका सही ऑप्शन बैठेगा 8 का, ठीक है ए। नेक्स्ट चलिए 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज ई जेड। तो एफ ऑफ जेड हैज नो सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ओके। एफ ऑफ जेड हैज एन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, यस, एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सी, एफ ऑफ जेड हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एफ ऑफ जेड हैड डबल पोल एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये तो कैसे होगा, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, ठीक है जी, 9th का बी। एफ ऑफ जेड हैज एन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। चलिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी ई रेज टू पावर 1/z² डी जेड वेयर सी इज द पॉजिटिवली ओरिएंटेड यूनिट सर्कल, मोड जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो इसमें जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इस क्लोज कंटूर सी जी जो आपको इंटीग्रल दिया है सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका 0, ठीक है, डी इसका सही ऑप्शन बैठेगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलिए, रेजिड्यू फाइंड करना था आपको इस फंक्शन का। फंक्शन दिया है आपको लॉग जेड होल क्यूब बाय z² + 1 एट जेड इज इक्वल टू आयोटा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 11th का आपके पास आंसर आएगा -π³/16। देखिए टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो सी ऑप्शन है वो सही बैठेगा, -π³/16, 11th का सी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, ठीक है 12th क्वेश्चन पे आ जाइए, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल z^10 - 6z^7 + 3z³ + 1 इनसाइड जेड मॉड जेड इज इक्वल टू 1। तो देखो होगा क्या, मैक्सिमम तो ये देखा होगा कि इसकी पावर डिग्री क्योंकि 10 है तो 10 पॉलिनोमियल, इसमें नंबर ऑफ जीरो 10 आ गए, तो बिल्कुल गलत है वो, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो करना कैसे था, फंक्शन कंसीडर कीजिए, लेट्स से एफ ऑफ जेड आपने ले लिया, दो फंक्शन लीजिए यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेंगे आपको, एक ले लिया आपने -6z^7, इसी में से लेट्स से पी ऑफ जेड है या कुछ और भी मान सकते हो आप, और जी ऑफ जेड आपके पास बचा क्या है यहाँ पे, z^10 + 3z³ + 1, ये दोनों। अब ये आपने एनालिटिसिटी के बारे में पढ़ा होगा, ये दोनों फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है जी, ये दोनों फंक्शन एनालिटिक हैं। तो ठीक है, विद इन एंड ऑन सी क्लोज कंटूर सी में ये क्या है, दोनों फंक्शन एनालिटिक है। तो जब आप z^z इसकी मॉड लोगे ना, जब आप इसका मॉड लोगे तो वो कुछ बनेगा आपके पास किस तरीके से, मॉड चलो कर ही लेते हैं इसको, z^10 + 3z³ + 1 - 6z^7, बिल्कुल विच इज लेस देन और इक्वल टू, है ना, किसके बराबर होगा, मॉड z^10 + 3 बाहर, मॉड जेड का क्यूब प्लस 1 का मॉड 1 ही, डिवाइडेड बाय 6 बाहर, माइनस मॉड है तो प्लस हो जाएगा मॉड जेड 7, राइट। तो ये किसके इक्वल होगा, आप देखो मॉड जेड किसके बराबर है, 1, तो 1 की पावर 10, 1 + 3 × 1 + 1 / 6 × 1 कितना आ जाएगा, 1 + 3 + 1 / 6, दिस इज 3, 4, 5 / 6 विच इज 0 point something। तो मतलब ये जो आपके पास जी ऑफ जेड बाय एफ ऑफ जेड आया, ये आया लेस देन 1, क्या आया लेस देन 1, तो मतलब इन साइड द सर्कल लेस देन 1 आया ना, तो मैक्सिमम रेडियस कितना है उसका सर्कल का, 1 है, तो 1 के अंदर लाई किया ये, ठीक है जी, इन साइड। तो बाय यूजिंग रोचीज थ्योरम जो आपके पास एफ ऑफ जेड है ना, एफ ऑफ जेड
और एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड मतलब ये जो पूरा है इसकी और इसके सम की, दोनों की जो आपके पास नंबर ऑफ जीरोज हैं वो आएंगे बराबर, ठीक है जी। दोनों में क्या आएंगे, सेम आएंगे, बराबर आएंगे आपके पास, ठीक है। एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड ये, और एफ ऑफ जेड में जितने जीरोज हैं तो वो सेम आएंगे। कितने हैं, सेवन, जो कि पूरे के पूरे आपके सर्कल के अंदर ही लाई कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपके पास सी, ट्वेल्थ का सी, सी इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। सेवन जीरोज आएंगे यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट चलिए, थर्टींथ क्वेश्चन है। तो द फंक्शन साइन हाइपरबोलिक जेड बाय जेड पावर 4 हैज़ रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड जीरो, हैज़ एन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड जीरो, डज नॉट हैव सिंगुलरिटी जेड जीरो, नो, हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट जेड जीरो। यस, डी इज करेक्ट ऑप्शन, 13th का डी, राइट। नेक्स्ट चलिए, 14th क्वेश्चन। देखो ये तो आपका आसान क्वेश्चन है, ये बिल्कुल हार्मोनिक कॉन्जुगेट है ना। यू इज इक्वल टू, तो आपके पास यू दिया है, जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा बी, जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा बी। यू इज द रियल पार्ट, बी इज द इमेजिनरी पार्ट, यू गिवन में है, बी निकालना है, वही हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका बी या जो आएगा वी, ठीक है, वी कितना आएगा, -3xy² प्लस x³ प्लस सी ए, 14th का ए जो है वो सही ऑप्शन बैठ गया यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी डी जेड बाय जेड वेयर सी इज द सेमी सर्कल दैट इज इक्वल टू ई पावर आई थीटा, विच इज क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा लाइज बिटवीन 0 to π। तो इसको सॉल्व करना था, पता होगा आपको कि ये पूरा सर्कल, इंटायर पूरा कितना कवर करेगा ये, 2π iota, बिल्कुल। तो हाफ आपको कहाँ से कहाँ बताना था, 0 to π, 0 to π। तो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर बैठेगा दैट इज π iota, ठीक है जी। सी, 15th का सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, 16th क्वेश्चन है, लेट अ साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 8 इज जनरेटेड बाय ए, देन इट्स जनरेटर्स आर। तो साइक्लिक ग्रुप जी है जी, उसका ऑर्डर है 8, जनरेटेड है, जनरेटर है ए, उसका जनरेटेड बाय ए है, तो मतलब जनरेटर क्या है, ए। तो कहता है देन इट्स जनरेटर्स आर, तो कितने पॉसिबल जनरेटर हो सकते हैं भाई, GCD देख लो, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 जनरेटर देख लो भाई, है ना, एक ही पावर्स में है ये, एक ही पावर्स में आएंगे, एक ही पावर में, एक ही पावर में, एक ही पावर में। तो 1 और 8 का GCD 1, ठीक है, 2 और 8 का 2 हो जाएगा, ये नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आ जाए, 7 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, तो क्या बचा, 1 3 5 7, 1 3 5 7। तो 16th का बी जो है वो सही ऑप्शन बैठेगा यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट आ जाइए, अस्क्यू फील्ड, या फिर इसको आप क्या बोलते हो, डिवीजन रिंग भी बोलते हो, ठीक है। कहता हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर, नहीं गलत, हैज फाइनाइट नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर, बिल्कुल नहीं, डज नॉट हैव यूनिटी, यूनिटी तो होता है भाई, है ना, हैज विद नो नो जीरो डिवाइजर, यस, विदाउट जीरो डिवाइजर, ये सही है, 17th का डी, है ना, डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, 18th पे आ जाइए, द सेट ए एन एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ डिग्री एन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर, दिस इज सी एन फैक्टोरियल बाय 2 डायरेक्ट, ठीक है जी, सी, सी इज करेक्ट ऑप्शन 18th का। नेक्स्ट आ जाइए, 19th क्वेश्चन, द ग्रुप S3 सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 बाय अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ डिग्री 3, तो ये क्या है, 19th का जो आपका होगा दैट इज साइक्लिक, और बिल्कुल एबिलियन भी है ना, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। तो
बी जो है वो उसका सही ऑप्शन बैठेगा 19th का बी, राइट। नेक्स्ट चलिए, द कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म, फाइव फ्रॉम आर टू सी नॉट डिफाइंड बाय फाइव ऑफ एक्स इज कोज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, इसको आप ई पावर आई एक्स भी लिख सकते थे, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू रियल वेयर आर इज द ग्रुप ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन एंड सी नॉट इज द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। सॉल्व करना पड़ेगा इसको, सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा आपके पास ए, द साइक्लिक सब ग्रुप, ठीक है, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ टू पाई, ठीक है। नेक्स्ट 20th का आपके पास हो गया ए, बिल्कुल। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फॉर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी क्वेश्चन रिंग आर बाय आई इज अ फील्ड डिफाइंड ओनली इफ आई इज नॉट अ मैक्सिमम आइडियल इन आर, एवरी मैक्सिमल आइडियल इन अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज प्राइम, ठीक है। बी जो इसमें 21st का होगा बी होगा ये, ठीक है। एन आइडियल आई इन द रिंग जेड ऑफ इंटीजर इज मैक्सिमल, ठीक है, विद पी इज नॉट प्राइम, अ कम्यूटेटिव फाइनाइट रिंग विदाउट जीरो डिवाइस इज नॉट ए फील्ड, तो होता है भाई ये, ठीक है, गलत बोल रहा है। बी 21st का बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, मेरे ख्याल से पिछली बार भी ये पूछा था, ये 22 में जो इन्होंने पूछा है स्टेटमेंट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एवरी फील्ड इज एन नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, डोमेन वो तो होता है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये तो डायरेक्ट थ्योरम ही है आपके पास, है ना। तो एवरी फील्ड इज अ डिविजन रिंग एंड इट्स कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, गलत। अ फील्ड इज कॉम्यूटेटिव डिविजन रिंग, हाँ ये आंसर हो सकता है इसमें, ठीक है, सी 22 का सी ऑप्शन, ठीक है जी, 22 का सी ऑप्शन हो सकता है, अ फील्ड इज कॉम्यूटेटिव डिविजन रिंग, बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाइए, 23 नंबर पे क्वेश्चन है आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेसिस पे क्वेश्चन है आपके पास, मैट्रिक्स दी है, कहता फॉर द मैट्रिक्स 1 1 1 1 इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर टू टू आर टू विद रिस्पेक्ट टू द बेस 1 0 0 1, स्टैंडर्ड बेस दिया हुआ जी, ठीक है, आसान था क्वेश्चन वैसे ही बहुत, करना कैसे था, लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन अगर इसमें नॉर्मल आप तरीके से चलो तो आप एक ए बी ऑर्डर पेयर उठा लेते हैं क्योंकि आर टू है ना, तो इस ए बी को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है आपने, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है जी, लिख देते हैं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, है ना। टी अप्लाई कीजिए, टी ऑफ 0 1 कितना होगा, टी ऑफ 0 1 1 1, ठीक है, बिल्कुल, और दूसरा टी ऑफ 0 1 इसमें पुट करोगे ना आप ये, तो टी ऑफ 0 1 की अगर बात करें तो टी ऑफ 0 1 की वैल्यू आपके पास कितनी बनेगी, 1 1, है ना। ओके नाउ इसकी अगर बात करो तो इसको एज अ वन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो इससे लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसको इस फॉर्म में बस टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस आपके पास आ गया है, कैसे कैसे, ये जो दिखाई दे रहा है आपको 1 1 1 1, इसका लेकिन आपको लेना है ट्रांसपोज, ठीक है, लेकिन इसको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना, तो ही मैट्रिक्स थी आपके पास, ठीक है जी। तो इसका आंसर जो बनेगा आपके पास दैट इज, वैसे आप ऑप्शन से भी कर सकते थे इसको, ठीक है ना, ये देखिए 1 ये है ना, ये 1 1 1 1, यहां से देख के भी हो सकता था डायरेक्ट, ये एक्स वाई एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई कहाँ है, ये पड़ा हुआ, इसको भी इतना तामझाम करने की भी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी दे सकते थे, ठीक है। 23rd का जो इसमें बी हो सकता, ठीक है ना, बी बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से ही होना था ये भी, ठीक है, द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डी फ्रॉम आर थ्री टू आर टू डिफाइंड बाय दिस रिलेटिव टू बेसिस, है ना, ये भी स्टैंडर्ड बेस ही है आपके पास आर थ्री और ये आपके पास आर टू, स्टैंडर्ड बेसिस पे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं उन्होंने, दोनों क्वेश्चन उसी के बेसिस पे, तो इसको भी आप उसी तरीके से करना था इसमें, है ना, स्टैंडर्ड बेस आसान क्वेश्चन था, आप सीधा टी ऑफ 1 0 0, है ना, वो निकालते हैं, फिर टी ऑफ 0 1 0, फिर टी ऑफ 0 0 1, तो जो यहाँ पे बनना था 2 1 0 0,
है ना, माइनस थ्री माइनस वन माइनस वन माइनस टू, इसको आप एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन जब आप लिखते हैं ना तो आपके पास क्या बनता, टू वन जीरो प्लस वन जीरो वन, और इसको माइनस थ्री वन जीरो माइनस वन जीरो वन, और ये माइनस वन वन जीरो, और दिस इज टू जीरो वन माइनस टू, सॉरी माइनस, तो ये बन गया आपके पास दिस इज टू वन माइनस थ्री माइनस वन माइनस वन टू, इसका ट्रांसपोज। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी, ठीक है, 24th का डी ऑप्शन जो है वो सही हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 25th क्वेश्चन नंबर 25th। जी ग्रुप, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, एलिमेंट ए ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स, और ए सिक्स जो है वो आइडेंटिटी है यहाँ पे एलिमेंट, देन द ऑर्डर ऑफ ए फोर। ठीक है, तो बहुत आसान है यार, ये तो पता ही होगा आपको कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ए पावर एन इज ई, बट दिस एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना, तो ए फोर की क्या पावर ली जाए छोटी से छोटी कि आइडेंटिटी ए पावर छः बन जाए, दो आठ बनेगा, छः और दो बिल्कुल नहीं, तीन तीन करोगे तो आपके पास बिल्कुल बनेगा ए पावर सिक्स, ए पावर सिक्स ई इंटू ई, आंसर आपके पास आ गया बी। ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेना, लेकिन आपके पास बी ऑप्शन बन गया यहाँ पे 25th का। ठीक है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए, ओके, रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ द रेकरेंस रिलेशन ए एन इज फोर ए एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस टू, इनिशियल कंडीशन दी है भाई दोनों वन के बराबर हैं, बहुत आसान है ये तो, डायरेक्ट पुट करके भी देख सकते थे आप। ठीक है, यहाँ पे 26th का ए जो है वो सही ऑप्शन बैठ गया यहाँ पे। ठीक है जी, ए 26th का ए। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोसेट डिपिक द इन हैसे डायग्राम लेटिस नहीं है, कौन सा जो डायग्राम हैस डायग्राम है वो लेटिस नहीं है आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, ये तो है जो आपके पास यहाँ पे ये वाला है ना, ये लेटिस नहीं बनाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो 27th का डी है ऑप्शन जो है ना, 27th का डी ये करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 28th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फिर वही उसी टाइप से क्वेश्चन देखो कितने बने, एवरी चेन इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, गलत होता है, ठीक है, गलत बोल रहा, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं होगा आंसर, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस मॉड्यूलर, ऑप्शन आपके पास यही है सही, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इज मॉड्यूलर, द पेंटागोनल लैटिस इज मॉड्यूलर, दिस इज, ठीक है, इसमें 28th का जो आपके पास बी ऑप्शन है ये सही बैठेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाइए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, है ना, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर द वर्ड अकाउंटेंट कितने हैं टोटल, दो चार छः आठ दस, 10 फैक्टोरियल बाय ए, कितने बार रिपीट हो रहा देख लो, दो बार, 2 फैक्टोरियल, सी कितने बार हो रहा है, वन टू दो बार, ये भी, ओ एक ही बार है, रहने दो मत लिखो, एन दो बार है, ठीक है दो बार लिख दिया, और रिपीट हो रहा टी हो रहा भी रिपीट दो बार, टी हो गया, तो ये ऑप्शन आपको दिख गया होगा, ये 29th पे ए जो है वो उसका सही ऑप्शन होगा देखो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 30th पे, अ ग्राफ हैज एन वर्टिसेस एंड इज रेगुलर ऑफ डिग्री आर, देन जी हैज कितने एजेस होंगे भाई इस पे, डायरेक्ट आंसर आर एन बाय 2 एजेस। ठीक है, 30th का जो सी ऑप्शन है वो सही होगा यहाँ पे। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए, यस कॉम्प्लीमेंट बताना था इस ग्राफ का आपको। ठीक है जी, 31st क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट बताना था, तो इसका जो सही ऑप्शन बैठेगा 31st नंबर पे जो है इसका आपके पास आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट होगा इसमें। नेक्स्ट आ जाइए, अ ट्री हैज 2 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 2, 1 वर्टेस ऑफ डिग्री 3,
थ्री वर्टिसेस ऑफ डिग्री फोर, द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ डिग्री वन इज। तो जो आपके पास 32 नंबर पे क्वेश्चन है, इसका होगा आपके पास आई थिंक 11, ठीक है जी, 11 सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 32 का सी। नेक्स्ट आ जाइए, द नंबर ऑफ स्पेन एंट्री एडमिटेड बाय द ग्राफ, दिस ग्राफ, तो इसका भी आंसर आपके पास 3 ही होगा, ठीक है जी, सी 3, 33 का सी आ जाएगा आपके पास 3। नेक्स्ट आ जाइए, ये तो आपके पास डायरेक्ट ही थ्योरम है भाई, एक यूलर थ्योरम, तो वही से पूछ लिया। अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ जी हैज एन वर्टिसेस, ई एजेस एंड आर रीजन्स, तो एन माइनस ई प्लस आर प्लस टू, ए जो है वो इसका सही ऑप्शन बैठेगा, 34 का ए। नेक्स्ट, द पॉलिनोमियल लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कैन नॉट बी क्रोमेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज इसमें मुझे थोड़ा डाउट है ना, कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा क्यूब इज़ 1, वैसे तो इसमें अल्टरनेट साइन होने चाहिए, तो शायद इसमें आपके पास कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर इज़ 5, शायद ये हो जाए बी, बट श्योर नहीं हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, शायद बी हो जाए, श्योर नहीं हूँ, लेकिन लेकिन अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए, द रूल ऑफ इन्फेरेंस, पी इम्प्लाइज क्यू, नेगेशन ऑफ की बाय देयरफॉर नेगेशन ऑफ पी, है ना, ये आपके पास इस पे जो बनेगा आंसर 36 का, वो बनेगा आपके पास मोडस टॉलेंस, ठीक है, ये 36 का ए। नेक्स्ट आ जाइए 37 नंबर पे, विद यूजुअल नोटेशन इन बुलियन अलजेब्रा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओके, ए प्लस वन, ये 1 के बराबर होता है बुलियन अलजेब्रा में, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए आप, ए डॉट 1 प्लस बी इज बी, बिल्कुल गलत, ए प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, दिस इज एक्स प्लस एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स, बिल्कुल एब्जॉर्प्शन लॉ, सी 37 का सी जो है वो सही ऑप्शन बैठेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाइए, डिसजंक्टिव फॉर्म बतानी थी आपको इसमें इसकी, ठीक है जी, तो इसमें जो होगा दैट इज ए ऑप्शन, ठीक है, 38 का ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाइए 39 पे, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन, 39 का, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन, तो निकाल लेते हैं, एक्स वाई नॉट प्लस एक्स नॉट जेड, या कॉम्प्लीमेंट, क्या निकालना था इसका, कॉम्प्लीमेंट, चलो ठीक है फिर, ठीक है जी। अब यहाँ पे दो रूल आपको याद होने चाहिए, डी मॉर्गन लॉ, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। यहाँ जाइए, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, अब सेट थ्योरी वाली मत लगा देना कहीं, ये बुलियन अलजेब्रा में और चलेगा डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, इसको खोलोगे तो इस पूरे का क्या है आपके पास, होल कॉम्प्लीमेंट, जैसे ये है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो क्या होगा, ये एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स नॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड, और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ तक हो गया बिल्कुल डॉट। अब ये वाला लगेगा इसमें, दूसरे वाला, है ना, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इस पे, तो ये क्या होगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट, है ना, ठीक है जी, डॉट इस पे एक्स कॉम्प्लीमेंट फिर कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट, और ये भी आपको पता होगा, सेट थ्योरी में भी आपने देखा होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट करो तो कॉम्प्लीमेंटेड सेट इटसेल्फ आ जाता है, उस तरीके से यहाँ पे भी ये रिजल्ट होल्ड करता है, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे आपको बी 39 का बी जो है वो सही ऑप्शन बैठेगा यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओके, तो पी कंजंक्शन और क्यू इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू क्यू नॉट यूनियन और कंजंक्शन पी नॉट, यार इस पे ट्रुथ टेबल बनते हैं आपके पास, है ना, तो ये तो नहीं है सही,
और दिस इज निगेशन ऑफ दिस, ये ऑप्शन बैठेगा आपका बी, ठीक है जी। ये भी गलत है और ये भी गलत है ना। इसको मैं बना देता हूँ आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। पी ट्रुथ टेबल बनता है इनका, पी क्यू है ना, बना लेते हैं यहाँ पे इसको, ठीक है। फिर इसका निगेशन लेना पड़ेगा, पी का निगेशन, फिर क्यू का निगेशन, फिर इन दोनों का, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, तो अगर पी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, TTFF, TTFF, और इसमें आपके पास TFTF अल्टरनेट पे, TFTF, ठीक है। पी और क्यू, तो दिस इज ट्रू, दिस इज TTF। नेगेशन लेना है तो उसका उल्टा, FFFT, पी का नेगेशन, पी का नेगेशन, दिस इज FFTT, क्यू का नेगेशन, क्यू का नेगेशन, FTFT, ठीक है जी। अब इन दोनों के बीच में लगा दीजिए आप, दोनों होने चाहिए, तो ये तो फॉल्स है, ये फॉल्स, ये फॉल्स और ये ट्रू। तो ये देखो, ये और ये सेम आए, तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन वही तो बोल रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है जी। इसीलिए बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाइए, 41 नंबर पे क्वेश्चन है। लेट जेड स्टार बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स एंड आर बी द रिलेशन ऑन जेड स्टार गिवन बाय ए बी बिलोंग्स टू आर इफ ए इज अ फैक्टर ऑफ बी। यस, ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, देन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। भाई यहाँ आंसर होगा इसमें डी, आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। जैसे फैक्टर आपके, अगर मैं बात करूं ए और, जैसे अगर एंटी सिमेट्रिक की बात करें, रिलेशन कब होता है एंटी सिमेट्रिक आपके पास, ए बी बिलोंग्स टू आर हो, बी ए बिलोंग्स टू आर हो, तो इम्प्लाई दैट ए बी के बराबर होना चाहिए ना, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं होगा, जैसे माइनस ए और ए ले लो, आर में रिलेट कर रहे हैं भाई, आर में रिलेट कब करेंगे, जब ये डिवाइड करेगा इसको फैक्टर होगा, तो बिल्कुल डिवाइड करता है इसको ये, है ना। और यहाँ ए और माइनस ए भी तो आर में रिलेट करेगा बिल्कुल, लेकिन क्या ए और माइनस ए बराबर हैं, नहीं है, इसीलिए डी मेरे ख्याल से यहाँ पे सही बैठेगा, आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। नेक्स्ट आ जाइए, 42 नंबर पे क्वेश्चन है आपके पास। द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस सीक्वेंस, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3, इसको निकालना था आपको, तो 42 का जो सही ऑप्शन बैठेगा यहाँ पे बनेगा सी, 3/1+x। नेक्स्ट आ जाइए, 43 नंबर पे है आपके पास। अ कंप्यूटर कंपनी मस्ट हायर 20 प्रोग्रामर्स टू हैंडल सिस्टम प्रोग्रामिंग जॉब्स एंड 30 प्रोग्रामर्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग्स। ऑफ दोज हायर्ड, 5 आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म जॉब्स ऑफ बोथ टाइप, देन द नंबर ऑफ प्रोग्राम रिक्वायर्ड आर। तो इसमें जब आप सॉल्व करोगे, इसका आंसर होगा बी, 45, ठीक है जी। 43 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आ जाइए, इफ ए एंड बी बी टू इंटीजर सच दैट जी सी डी, ए और 4 का दिया 2, जी सी डी बी और 4 का दिया 2। आपको बताना था जी सी डी ए प्लस बी कॉमा 4 का क्या होगा, 44 का। तो ये आपके पास देखो, इसमें ए और 4 का अगर जी सी डी 1 है ना, तो यहाँ पे क्या हो, क्या सकता है 2 और 4, तब तो जी सी डी कितना होगा, 2 है ना। या फिर यहाँ पे 8, सॉरी 6 है ना, 6 और 4 हो सकता है क्या, तभी बिल्कुल हो सकता है कि जगह ये ए, और ये तो बी फिक्स ही है आपके पास, 4 ए की बात कर रहा है ये, है ना। तो यहाँ क्या हो सकता है, 2 और 4 का जीसीडी 2 है, 6 और 4 का बिल्कुल 2 है ना, तो आगे भी होगा। यहाँ देखते हैं आपके पास जीसीडी बी और 4 है ना, बी और 4। अब उसी तरीके से बी की बात करेगा और 4 यहाँ पे भी आपके पास क्या है, तो ये भी वही बनेगा आपके पास 2 और 4, 4 फिक्स है, तभी तो जी सी डी ए बनेगा आपके पास, है ना। और यहाँ पे भी 6 और 4, बिल्कुल 4 फिक्स है, जी सी डी 2। कहता ए प्लस बी कॉमा 4, तो ए प्लस बी, अगर मान लीजिए मैं यही ले लेता हूँ है ना,
तो टू और टू ऐड करोगे कितना, फोर और फोर, जिसका जीसीडी कितना होगा भाई, फोर होगा, जिसका जीसीडी कितना होगा, फोर। यहाँ पे भी चेक कर लीजिए आप, है ना, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो आप। ए प्लस बी करोगे तो ए प्लस बी कितना, छः छः बारह, बारह और चार, इसका जीसीडी, इसका जीसीडी फोर, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो फोर इज करेक्ट ऑप्शन, सी इज करेक्ट ऑप्शन, मतलब फोर इसका आंसर होगा 44 का, ठीक है, 44 का सी, फोर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलिए, 45 नंबर पे है, द सिस्टम एक्स इज कॉन्करेंट मॉड्यूलो बी वन मॉड्यूलो एम वन, दूसरी लीनियर कॉन्करेंस दी है आपको, ये कहता है ये सॉल्वेबल होगा कब होगा, बी वन माइनस बी टू इज डिविजिबल बाय जी सी डी ऑफ एम वन और एम टू, बी वन प्लस बी टू इज डिविजिबल बाय एल सी एम ऑफ दिस, बी वन माइनस बी टू इज डिविजिबल बाय जी सी डी ऑफ दिस। ये मेरे ख्याल से इसमें जो ए ऑप्शन है वे सही होगा इसमें 45 में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, लेट ए एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड्यूलो एम वेयर जी सी डी इज एम, ए एम इज डी। ओके, तो अगर ऐसा है, जी सी डी अगर ए और एम का डी है, तो भाई डी जो है वो डिवाइड करेगा बी को, है ना, ठीक है जी, डी डिवाइड करेगा बी को। लेकिन उस केस में आपके पास इनकॉन्करेंट सॉल्यूशन मिलते हैं, जिसमें डी सॉल्यूशन है ना, इनकॉन्करेंट सॉल्यूशन मिलेंगे आपके पास, तो ऑप्शन तो ये तो नहीं हो सकते दोनों, है ना, नो सॉल्यूशन हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, तो इफ डी डज नॉट डिवाइड बी देन कॉन्ग्रेंस हैज नो सॉल्यूशन, ये ऑप्शन इसमें सही लग रहा है मेरे को 46 का, ठीक है ए। नेक्स्ट आ जाइए 47 पे, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड भी था क्वेश्चन ये, 47 पे आ जाइए, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, जो लीनियर कॉन्करेंसेस दी हैं आपको, है ना, तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन बैठेगा दैट इज बी, एक्स इज कॉन्करेंट टू फोर मॉड्यूलो 35, 47 का, 47 का यहाँ पे एक्स इज कॉन्करेंट 13 मॉड्यूलो, सॉरी ये आपके पास बी नहीं होगा, सी एक्स इज कॉन्करेंट टू 13 मॉड्यूलो 35, ये होगा इसमें आपके पास, ठीक है, 47 पे सी है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये भी डायरेक्ट रिजल्ट आ गया आपके पास, इफ पी इज प्राइम एंड ए बी एन इंटीजर सच दैट पी डज नॉट डिवाइड ए, पी डज नॉट डिवाइड ए, देन 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 आपके पास ए पावर पी माइनस वन वेयर पी इज प्राइम इज कॉन्ग्रेंट टू वन मॉड्यूलो पी, ठीक है जी, 48 का सी जो है वो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाइए, गिवन अ ग्रुप जेड फाइव अंडर एडिशन मॉड्यूलो 5 वेयर जेड 5 आपको दे रखा है, तो इनवर्स बताना था भाई यार, इसका बनना था कॉम्पोजिशन टेबल, ठीक है, ठीक है, वो पता होगा आपको, एडिशन 5 है, एडिशन मॉड्यूलो 5 है, तो 0 1 2 3 4, यहाँ पे भी 0 1 2 3 4, 0 0 0 आपके पास ऐड करोगे तो कितना, यहाँ 0 आ जाएगा एडिशन मॉड्यूलो 5 के विद रिस्पेक्ट टू 0 1 1 2, है ना, ये 3, ये 4 ही आ जाएगा बिल्कुल, 1 और 0, ऐसे करके आपके पास कॉम्पोजिशन टेबल बनेगा। तो आपको जब इनवर्स निकालना है, यहाँ पे इनवर्स बताना 3 का, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 2, ठीक है, देखो इनवर्स के बारे में पता होना चाहिए, ए स्टार बी करने पे आइडेंटिटी आना चाहिए, राइट, आइडेंटिटी क्या होगा यहाँ पे, 0, तो आप किसी भी कोई नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 2 के, इसमें अगर हम 3 की बात करते हैं तो एडिशन मॉड्यूलो कितना है, 5 है ना, तो क्या लूँ यहाँ की आइडेंटिटी, यहाँ पे 0 आ जाए मेरे पास, तो 2 लेंगे ना यहाँ पे, 3 और 2 5, 5 से 5 डिवाइड होगा तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है जी, 49 का क्या बैठेगा यहाँ पे बी। 50 नंबर पे क्वेश्चन आया, कहता द प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉर्स ए विनिंग अ रेस इज 1/5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉर्स बी विनिंग द सेम इज 1/4, देन प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विन्स इज, तो प्रोबेबिलिटी, चलो ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आइदर और का केस ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, म्यूचुअली डिसजॉइंट है, तो ये तो पोर्शन 0 हो गया, बचा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कितना दिया हुआ है 1/5 और ये कितना दिया हुआ है 1/4, है ना, कितना आएगा ये 9/20, ये तो आ गया कि दोनों में से कोई, लेकिन उसने पूछा कि नन ऑफ देम, दोनों में से कोई नहीं, तो 1 माइनस माइनस करो, 1 माइनस 9/20 कितना बनेगा 11/20, तो यहाँ पे जो बी जो है वो सही ऑप्शन बैठ गया यहाँ पे 50 का बी।
तो आई होप आपको जितने क्वेश्चन अभी हमने देखे हैं ये आपको समझ में भी आ गए होंगे, है ना। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलत आंसर टिक कर दिया है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो फिर भी आप देख लीजिए जितने आपके क्वेश्चन, मैंने कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको वो सही होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि इसमें मेरा कुछ गलत कर दिया मैंने, गलत सॉल्व हो गया गलती से, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है जी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।